प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कविता सीखेंगे। कविता का नाम है बढ़े चलो बढ़े चलो। सबसे पहले हम कवि का परिचय करेंगे। बड़े चलो बड़े चलो कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म फतेहपुर जिले के बिंदगी गांव में सन 1906 को हुआ था। एक और बार बच्चों ठीक से सुनिए। बड़े चलो कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म फतेहपुर जिले के बिंदकी गांव में सन 1906 को। डियर चिल्ड्रन, सी द न्यूमेरल्स। दिस इज एक, वन। दिस इज नौ, नौ मीन्स नाइन। दिस इज जीरो, जीरो एंड दिस सिक्स। सो वी हैव टू रीड लाइक दिस। 1906 को हुआ था। उन्होंने हिंदी में एमए किया था। संस्कृत का भी अध्ययन किया। उन्होंने आजीवन निष्काम भाव से साहित्य सर्जना की। द्विवेदी जी गांधीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये अपनी राष्ट्रीय तथा पौराणिक रचनाओं के लिए सम्मानित हुए। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं भैरवी, वासवदत्ता, पूजा गीत, विषपान और जय गांधी। इनके कई बाल काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। ये पद्मश्री अलंकर से भी सम्मानित हुए हैं। प्यारे बच्चों अब हम कविता को पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ गाइएगा। शुरू करें। डियर चिल्ड्रन लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी। कविता का नाम है बड़े चलो बड़े चलो। हाथ एक शस्त्र हो ना हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न और वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। वंस अगेन, हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न और वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो। डियर चिल्ड्रन, इट्स मीनिंग मे यू हैव इक्विपमेंट, मे यू हैव नो वेपन, मे यू हैव नो फूड और क्लॉथ, डोंट वॉक बैक, डोंट फियर, वॉक ऑन, वॉक ऑन। नेक्स्ट स्टैंजा, रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निखर, रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो। वंस अगेन, रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो। इसका मतलब है बच्चों, सेकेंड स्टैंजा का मतलब है,
May snow peak confronts you and your life sparkles. May your loved ones depart you. Don't wait, don't bow, walk on, walk on. अगला स्टांजा, घटागिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बड़े चलो बढ़े चलो. Once again, घटागिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो. इसका मतलब है, मे देर बी बैड वेदर, मे देर बी ए वैक्यूम इन टाइम, असिप पापता एलिक्सियर, डोंट वेट डोंट बाउ वॉक ऑन वॉक ऑन. अगला स्टांजा, गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो नहीं गड़ो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो. गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो नहीं गड़ो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो. डियर चिल्ड्रन, इट्स मीनिंग, मे द स्काई बी बर्निंग और डेथ सॉन्ग बीइंग संग, मे देर बी प्ले ऑफ ब्लड स्प्लैशिंग, इंसिस्ट ऑन स्टैंड देर, वॉक ऑन वॉक ऑन. नेक्स्ट स्टांजा, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बड़े नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो. वंस अगेन चिल्ड्रन, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो. Dear children, you may walk for new paradigm, you may set new example, may you go for a new feat, don't bow, don't wait, walk on, walk on. Antim stanja, Ashosh rakt tol do, swatantrata ka mol do, खड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो. वंस अगेन, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, खड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो. डियर चिल्ड्रन, weigh the meaning, weigh the remaining blood, weigh the price of freedom, start the series of ages, don't fear, don't die, walk on, walk on. प्यारे बच्चों, कविता को आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा. अब हम इस कविता के शब्दार्थ को सीखेंगे. शब्दार्थ, शब्दार्थ का मतलब होता है मीनिंग्स. देखिए बच्चों, अस्त्र शस्त्र, इसका मतलब है हथियार. वस्त्र, वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा. हटना, हटना मीन्स पीछे की ओर जाना. समक्ष, समक्ष का मतलब है सामने. प्रण, प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा. निखरना, इसका मतलब है साफ होना. बिखरना, इसका मतलब है फैल जाना. रुकना, रुकना मतलब
पहरना, घटा, घटा का मतलब है बादल, घिरना, घिरना का मतलब है घेरा जाना, कालकूट, कालकूट का मतलब है विष, सुधा इसका मतलब है अमृत, खूंट, खूंट का मतलब है मुंह में एक बार में ली जाने वाली तरल पदार्थ की मात्रा, उगलना इसका मतलब है बाहर निकालना, छिड़ना, छिड़ना का मतलब है शुरू होना, राग, राग का मतलब है प्रसन्न होने का भाव, अनदर मीनिंग मोह। नेक्स्ट वन, लहू, लहू का मतलब है रक्त, फाग, फाग का मतलब है खेल, प्ले, अड़ना, अड़ना मीन्स रुकना, गड़ना, गड़ना मीन्स स्थिर होना, मिसाल, मिसाल का मतलब है उदाहरण, दुष्टता, दुष्टता, कमाल, कमाल का मतलब है चमत्कार, अशेष, अशेष का मतलब है संपूर्ण। प्यारे बच्चों नमस्कार, हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पार्ट एक कविता बढ़े चलो सीखा था। आई होप यू ऑल लर्न्ड, ओके ना। बढ़े चलो कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। दोबारा बोलिए, सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। आज हम बढ़े चलो कविता के अभ्यास में जो मुख्य अभ्यास है उसको सीखेंगे। यहाँ पर है, नमूने के अनुसार रेखा खींचकर मिलाओ, इसका मतलब है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। नाउ वी विल मैच चिल्ड्रन। नंबर वन, पहला नंबर पे समक्ष, समक्ष का मतलब क्या है सामने, हम रेखा खींचते हैं ऐसे, ठीक है। नंबर दो, प्रण, प्रण का मतलब है प्रतिज्ञा। नंबर तीन, लहू, लहू का मतलब है रक्त। नंबर चार, फाग, फाग का मतलब है खेल, खेल को हम इंग्लिश में गेम कहते हैं। नंबर पांच, कढ़ी, कढ़ी का मतलब है जंजीर, ये रहा जंजीर, जंजीर का छल्ला, अ पीस ऑफ चैन, ओके। नेक्स्ट मेन, पढ़ो और सही अर्थ वाले वाक्य के सामने टिक लगाओ, ठीक है बच्चों। एक, ना हाथ एक अस्त्र हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है अभी जानेंगे। सही शब्द, सही वाक्य के आगे टिक लगाएंगे। हाथ में एक हथियार हो, हाथ में एक हथियार ना हो, हाथ में एक हथियार हो गलत जवाब है। हम इसके आगे इंटू मार्क लगाएंगे, हाथ में एक हथियार ना हो, ये सही वाक्य है, यहां पर हम सही वाला टिक लगाएंगे। दूसरे में क्या है, तुम्हारा प्रण उठे निखर, यहां पर क्या है, तुम्हारा प्रण उठे निखर, देखते हैं सही जवाब कौन सा है। पहला वाला है, तुम्हारी प्रतिज्ञा साफ ना हो, तुम्हारा प्रण साफ हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा साफ ना हो, गलत जवाब है, हम इसके आगे इंटू मार्क डालेंगे। नेक्स्ट वाला, तुम्हारा प्रण साफ हो, सही जवाब बच्चों, यहां पर हम टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेन, नेक्स्ट मेन में है, प्रत्येक शब्द के सामने उनके समान ध्वनि वाले शब्द लिखो, इसका मतलब है वर्ड्स आर डिफरेंट बट साउंड इज
सेम इन इंग्लिश वी आर सेइंग नो राइमिंग वर्ड्स या सो फर्स्ट फर्स्ट वन इज नंबर वन क्या है शस्त्र शस्त्र क्या है बेटा शस्त्र नंबर टू क्या है शिखर नंबर तीन अटूट नंबर चार मिसाल नंबर पांच आग हम शस्त्र का सेम ध्वनि वाला शब्द यहां पर लिखेंगे शस्त्र का एक और ध्वनि वाला शब्द है अस्त्र ये क्या हो गया शस्त्र अस्त्र शिखर शिखर का होता है बिखर बिखर ठीक है नेक्स्ट अटूट अटूट का ध्वनि शब्द है कूट नंबर चार मिसाल मिसाल वाला ध्वनि शब्द है कमाल अगला है आग आग का समानार्थक ध्वनि वाला शब्द है फाग फाग का मतलब मैंने बताया था ना फाग का मतलब होता है गेम ठीक है छठा वाला है तोल तोल का मतलब तोल का समानार्थक समान ध्वनि वाला शब्द है मोल ठीक है बच्चों यह देखिए शस्त्र का समान ध्वनि वाला शब्द है अस्त्र शिखर का समान वाला शब्द समान ध्वनि वाला शब्द है बिखर अटूट का समान ध्वनि वाला शब्द है कूट चौथा नंबर मिसाल का समान ध्वनि वाला शब्द है कमाल आग का समान ध्वनि वाला शब्द है फाग तोल का समान ध्वनि वाला शब्द है मोल ना हाथ एक अस्त्र हो ना हाथ एक शस्त्र हो ना हाथ एक अस्त्र हो ना अन्न मीर वस्त्र हो हटो नहीं डटो वही ना अन्न मीर वस्त्र हो हटो नहीं डटो वही बढ़े चलो 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 बढ़े हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निकट भले ही जाए तन बिखर झुको नहीं रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निकट भले ही तन जाए बिखर रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो
बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। घटागिरी अटूट हो, अधर्म काल टूट हो, घटागिरी अटूट हो, अधर्म काल टूट हो, वहीं अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, वहीं अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। गगन उछलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने भाग हो, अड़ो वहीं गढ़ो वहीं। गगन उछलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने भाग हो, अड़ो वहीं गढ़ो वहीं। बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मसाल हो, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं। बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं। बढ़े चलो 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 बढ़े चलो।